मॉर्निंग किड्स, आज की क्लास हमारी 12:08 में है और इस क्लास में हम लोग नेम द पिक्चर पढ़ेंगे। ये क्लास हमारी 12:08 में है जिसमें हम लोग नेम द पिक्चर पढ़ेंगे। ये हमारी CW की कॉपी है, इसी में हम आप लोग को ये चीज़ें समझाएंगे और बताएंगे। इसके पहले हमारी क्लास में जो हम लोग अभी रिसेंट रिविज़न किए हैं वो फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग वर्बल ई एंड यूज ऑफ ए और एन, ये हम लोग कर चुके हैं। ये हमने आपको इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने आपको कराया था। आज की क्लास में हम लोग नेम द पिक्चर करेंगे जो हम आपके सामने यहाँ पे करने जा रहे हैं। ये जो है ये हमारी कॉपी है CW के, इस कॉपी में जो है हम आपको यहाँ पे नेम द पिक्चर यानी पूरा सेंटेंस, हमने आपको बताया कि हम छोटे में आपको यहाँ पे लिखते हैं और इसका पूरा सेंटेंस लुक एट द पिक्चर यानी आप उस पिक्चर को देखिए और राइट देयर नेम, उनका नाम लिखिए। फिर हमने यहाँ पे सिर्फ छोटे में नेम द पिक्चर इन पिक्चर का नाम लिखिए ऐसा हमने लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम पिक्चर बनाएंगे। सबसे पहले पिक्चर जो हम बनाएंगे वो क्या है इसे ध्यान से देखिए, ठीक है। ये पिक्चर देख के आप समझ गए होंगे कि हम किस चीज़ की पिक्चर बना रहे हैं। ये जो है टॉप है, क्या है ये टॉप, टॉप यानी लट्टू, टॉप यानी लट्टू। तो ये टॉप, इसको आप जो है अपनी जब भाई आप पूरी क्लास कर लीजिएगा तब इस पूरे क्लास के बाद से जो है इसको आप अपनी CW की कॉपी में अच्छे से पिक्चर बना करके और तब इनके नेम लिखिएगा। टॉप मीन्स क्या होता है, लट्टू होता है, यहाँ पे हमने अंडरलाइन कर दिया उसके नेम के लिए और उसी पे जहाँ पे हमने वो अंडरलाइन किया है वहीं पे हम जो है नेम लिखेंगे। नेक्स्ट पिक्चर हमारी होगी देख के आप समझ गए होंगे कि ये क्या है, ये डॉल है, क्या है डॉल। तो यहाँ पे जो है हमने इसके सामने अंडरलाइन कर लिया डॉल। अब थर्ड पिक्चर हमारी होगी जो वो है काइट। थर्ड पिक्चर क्या है, काइट, ये आपको काइट हमने यहाँ पे बना दिया, आप देख पा रहे हैं। इसके सामने भी हम अंडरलाइन कर लेंगे। फिर हमारी नेक्स्ट पिक्चर जो होगी वो होगी फिश। नेक्स्ट क्या होगी, फिश, ये फिश है, ठीक है। फिश, ठीक है। अब यहाँ पे जो है ये जो फिश है इसका नेम इसके सामने जो हमने यहाँ पे अंडरलाइन किया है उसमें आप लिखेंगे। फिर हमारी एक पिक्चर है, आप देख के समझ जा रहे हैं कि कौन सी चीज़ का पिक्चर या क्या पिक्चर बन रहा है। ये जो है पेन है और ये जो है ये इसमें से गर्म भाप निकल रहा है यानी कि ये कप है, ठीक है। और लास्ट पिक्चर जो होगी वो है हमारी एग। तो इस तरीके से करके हमारी सारी पिक्चर्स जितने हमने पिक्चर बनाने थे वो पिक्चर हमारी बन चुकी है। यहाँ पे ये देखिए, एग, कप, पेन, फिश, काइट, डॉल, टॉप, यहाँ पे हमारे 7 पिक्चर हैं। कितने पिक्चर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 पिक्चर हैं। इन पिक्चर्स के नेम आपको लिखने हैं। ऐसे ही पिक्चर्स बन के आपके एग्ज़ाम सीट में जाएंगे जो आपके पेपर होंगे और उसके साथ आपको एग्ज़ाम सीट दिया जाएगा। उस पेपर को आपको देखना होगा, उस पेपर में जो भी पिक्चर आप जो बना हुआ होगा इससे रिलेटेड या इससे अलग भी बन सकता है। पिक्चर का मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये पिक्चर बन रही है तो यही पिक्चर आपके पास जाए। हो सकता है टॉप की जगह कुछ और, मैट चला जाए, कैट चला जाए, रैट चला जाए, बॉल चला जाए, बैट चला जाए, कुछ भी पिक्चर बन सकता है। लेकिन जब आप सारे पिक्चर्स जो भी आपके ए ई आई ओ यू साउंड से जितने पिक्चर्स हैं उन सभी पिक्चर्स को अगर देखे रहेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, आप उन पिक्चर के नाम पहचानते रहेंगे और वहाँ पर लिखेंगे। हम लोग जो है यहाँ पर अपने पेंसिल की हेल्प से
नाम लिखेंगे। ये देखिए टी ओ पी टॉप, ये क्या है टी ओ पी टॉप, टॉप यानी लट्टू। ये क्या है डॉल, डी ओ डबल एल डॉल। नेक्स्ट काइट, के आई टी ई काइट। अब नेक्स्ट आपके पास क्या है फिश, एफ आई एस एच फिश। पेन, पी ई एन पेन। कप, सी यू पी कप। एग, ई ई डबल जी एग। ये हो गया हमारे पूरे पिक्चर का नाम। जो हमने यहाँ पे पिक्चर बनाए थे, इन सारे पिक्चर्स के नेम जो है हमने यहाँ पे जो अंडरलाइन किया था उसके ऊपर लिख दिया है। तो ये सारे जो आपको पिक्चर दिखाई दे रहे हैं, इन सारे पिक्चरों के नाम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। इसको आप अपने सी डब्ल्यू की कॉपी में कीजिएगा, ये सारा आपका रिवीजन जा रहा है, ठीक है। इसको आप कहाँ लिखेंगे, अपने सी डब्ल्यू की कॉपी में। इसके बाद हम लोगों को जो है अभी तक में हम लोग अभी रीसेंट जो रिवीजन किए हैं, वे रिवीजन हमारे ये हैं। राइट सिक्स वर्ड विच ए आई, फिर ये फील साउंड ई, यूज ऑफ ए और एन, और नेम द पिक्चर। अपोजिट वर्ड, वर्ड अपोजिट, इसका हम लोगों ने रिवीजन नहीं किया है। तो चलिए हम लोग अपोजिट वर्ड का रिवीजन करते हैं। अपोजिट का मतलब होता है उल्टा। जैसे यहाँ पे हमने लिखा वर्ड डब्ल्यू ओ आर डी एस, वर्ड्स अपोजिट ओ डबल पी ओ एस आई टी ई, वर्ड अपोजिट। लिखने का हमारा सही तरीका यही है, वर्ड अपोजिट। यहाँ से वर्ड जो है, जिस वर्ड का अपोजिट हमको लिखना है वो वर्ड्स हम इसके नीचे रखेंगे, उसी का उल्टा यानी उसका अपोजिट हम लोग इस साइड में रखेंगे, ठीक है। वर्ड ये हो गया, वर्ड अपोजिट में वर्ड कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए हमारे हैप्पी, एच ए डबल पी वाई हैप्पी, जी डबल ओ डी गुड, एम ए एन मैन, ठीक है। वर्ड अपोजिट में क्या क्या लिखा है, हैप्पी गुड मैन ब्लैक बी एल ए सी के ब्लैक, बिग बी आई जी बिग, एच ओ टी हॉट। फिर आपका है यहाँ पे देख लीजिए एक बार, एच ए डबल पी वाई हैप्पी, जी डबल ओ डी गुड, एम ए एन मैन, बी एल ए सी के ब्लैक, बी आई जी बिग, एच ओ टी हॉट। अब नेक्स्ट वर्ड जो है वो क्या होगा, हॉट के बाद होगा आर आई सी एच रिच। नेक्स्ट वर्ड होगा एफ ए एस टी फास्ट, और लास्ट होगा ई एम पी टी वाई इम्पटी। यहाँ पे हमने जो है आपको इतने वर्ड हैप्पी गुड मैन ब्लैक बिग हॉट रिच फास्ट इम्पटी इतने वर्ड्स बताए। ये वर्ड का मतलब क्या होता है पहले हम आपको ये बताएंगे। हैप्पी, हैप्पी मीन्स होता है खुश। गुड, गुड का मतलब होता है अच्छा। एम ए एन मैन, मैन मीन्स होता है आदमी।
BLACK ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला। BIG बिग, बिग मीन्स क्या होता है बड़ा। HOT हॉट, हॉट मीन्स क्या होता है गर्म। RICH रिच, रिच मीन्स होता है अमीर। FAST फास्ट, फास्ट मीन्स होता है तेज। EMPTY इम्पटी, इम्पटी मीन्स होता है खाली। तो यहाँ पे आपको इतने वर्ड्स हैं जिन वर्ड्स का अर्थ हमने आपको बता दिया। अब इसी अर्थ के रिलेटेड उल्टा अर्थ हमको रखना है। जैसे यहाँ पे है हैप्पी, हैप्पी का मतलब होता है खुश। अब खुश का उल्टा होगा दुखी, तो उसके लिए कौन सा वर्ड हम यहाँ पे रखेंगे? हैप्पी सैड, SAD सैड, SAD सैड। सैड मीन्स क्या होता है दुखी। गुड, गुड मीन्स होता है अच्छा, अच्छा का उल्टा क्या होगा बुरा। बैड, BAD बैड, बैड मीन्स बुरा। MAN मैन मीन्स आदमी, आदमी का उल्टा होगा औरत। WOMAN वूमेन, ठीक है, WOMAN वूमेन, वूमेन मीन्स औरत। ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला। ब्लैक का मतलब क्या होता है काला। काला का उल्टा क्या होगा सफ़ेद, तो सफ़ेद के लिए हम क्या लिखेंगे वाइट। ब्लैक का क्या लिखेंगे वाइट। WHITE वाइट, वाइट मीन्स सफ़ेद। बिग, BIG बिग, बिग मीन्स क्या होता है बड़ा। बिग मीन्स क्या होता है बड़ा। बिग का क्या होगा स्मॉल, बिग का क्या होगा स्मॉल। SMALL स्मॉल, बिग का स्मॉल। हॉट, हॉट मीन्स गरम, तो गरम का उल्टा क्या होगा ठंडा। ठंडा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे कोल्ड। COLD कोल्ड। हॉट का क्या हो गया कोल्ड। रिच, RICH रिच, रिच मीन्स क्या है अमीर। अब नेक्स्ट है आपका RICH रिच, रिच का क्या, रिच मीन्स हो गया अमीर, तो रिच का क्या होगा पुअर। POOR पुअर। फास्ट, FAST फास्ट, फास्ट मीन्स तेज, तेज का उल्टा धीरे, तो फास्ट मीन्स तेज, स्लो मीन्स धीरे, तो SLOW स्लो, SLOW स्लो। इम्पटी, इम्पटी का मतलब होता है खाली। खाली का अपोजिट जो है वो हो जाएगा भरा हुआ, और भरे हुए को क्या बोलेंगे फुल, FUL फुल। ठीक है, EMPTY इम्पटी, इम्पटी मीन्स खाली, फुल मीन्स भरा हुआ। ये आपका पूरा वर्ड अपोजिट हो गया। वर्ड क्या क्या है एक बार और मैं आपको बताती हूँ पढ़ के। HAPPY हैप्पी, हैप्पी का सैड, SAD सैड। GOOD गुड, गुड मीन्स अच्छा। BAD बैड, बैड मीन्स बुरा। MAN मैन, मैन मीन्स आदमी। WOMAN वूमेन, वूमेन मीन्स औरत। BLACK ब्लैक, WHITE वाइट, वाइट मीन्स सफ़ेद। BIG बिग, बिग मीन्स बड़ा। SMALL स्मॉल, स्मॉल का मतलब हो गया छोटा। HOT हॉट, हॉट मीन्स गरम। COLD कोल्ड, कोल्ड मीन्स ठंडा।
आर आई सी एच रिच, रिच मीन्स अमीर, पी डबल ओ आर पुअर, पुअर मीन्स खराब या गरीब, एफ ए एस टी फास्ट, फास्ट मीन्स तेज, एस एल ओ डब्ल्यू स्लो, स्लो मीन्स धीरे, ई एम पी टी वाई इम्पटी, इम्पटी मीन्स खाली, एफ यू डबल एल फुल, फुल मीन्स भरा हुआ। यानी कि हमारा जो है अपोजिट वर्ड, जहाँ हमने आपको ये बताया वर्ड उसका अपोजिट क्या होता है ये बताया, और इसका हिंदी में अर्थ क्या होता है ये भी बताया। जब भी आप कभी कंफ्यूज होते हैं, जैसे गुड का क्या लिखेंगे, तो आप गुड मीन्स अच्छा होता है, अच्छा का उल्टा होगा बुरा, बुरा को बैड बोलते हैं, ऐसे आप सर्च करके अपने माइंड में लिख सकते हैं। ये हो गया आपका अपोजिट वर्ड। रिवीजन के तौर पे आपका राइट सिक्स वर्ड विद साउंड ऑफ ए ई आई, जो भी आप पढ़े हैं वो हो गया, नेम द पिक्चर हो गया, अपोजिट वर्ड हो गया। उसके साथ ही साथ आपका जो पीछे हमने फिल करने के लिए पढ़ाया था कि साउंड ई या आई को किस तरीके से फिल किया जाता है, वो भी आपका कंप्लीट हो गया, और कैपिटल स्मॉल लेटर का रिवीजन तो आपका हो ही चुका है। कुल मिला के आपके सारे रिवीजन्स हो चुके हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन आंसर बचा हुआ है जिसका आपको हमने क्लास में करा भी दिया था और लिख के भी ऐसे आपको भेज दिया है। एक होमवर्क भी आपको गया होगा रीसेंट अभी, लेकिन उसके साथ में कुछ क्वेश्चन आंसर जो है आपको रिवीजन के तौर पे कराना चाहूँगी, दिस और दैट का। जैसे आपका ये जो है क्लास, ये तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें जो है हम आपको दिस और दैट से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर और फिल इन द ब्लैंक्स करवाएंगे, और उसके बाद हमारे रिवीजन पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे के क्लास में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए थैंक यू।